अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो मैं सोच रहा था कि दुनिया ने हमको दिया क्या, कमेंट करके बताओ, दुनिया से हमने लिया क्या घंटा। तो बस खेल रहे थे सोलो स्क्वाड दोबारा से, बहुत ही टाइट वाली लॉबी थी और जॉर्जबुल में इतने ज़्यादा बंदे आ गए थे ना कि मेरी गेम प्ले में वहाँ थोड़ा सा ना थोड़ा सा मैंने एडिट कर दिया। वैसे तो आपका साउंड आएगा, लेकिन साउंड आना बंद हो गया था, इतने बंदे, इतनी लैग हो रही थी जॉर्ज पुल में। सोलो स्क्वाड गेम प्ले निकाला, आपको पता है क्लैन की रिक्वायरमेंट मैंने डाल दी थी इंस्टाग्राम पे, पोस्ट भी कर दी थी। तो हमारे बैड गाय जो हैं, हमारे बैड गाय भैया, वो बंदे सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग टूर्नामेंट्स वगैरह भी खेलेंगे और स्क्वाड गेम प्ले भी आएगा स्टार क्लैन का। तो ये इंस्टाग्राम चेक कर लेना। और एक और चैलेंज है, अगर इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने इस वीडियो के बाद मेरे 10,000 फॉलोअर करवा दिए ना इंस्टाग्राम पे, मैं शर्ट उतार के गली में नाचूंगा। तो सोच लो, ऑफर अच्छी है। हाँ, अगर आप करवाते हो तो मेरा डांस देखोगे गली में, वो भी बिना शर्ट के। तो देख लो, फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पे। तो ये पहला बंदा था जिसको मैंने उतरते ही नॉक किया और वो किल चोरी हो गया, बहुत ही खराब लगा। फिर यहाँ पे पूरा स्क्वाड बॉट को मारने जा रहा है, मतलब भाई क्या जिंदगी से तंग हो तुम लोग। पूरा पूरा स्क्वाड एक बॉट को मारने जा रहा था और यहाँ पे इनके साथ क्या हुआ अभी आप खुद ही देख लो अपनी आंखों से। फंस गए थे ये लोग वापस कंटेनर्स में जाने के बजाय। सबके सब टायर के पीछे जा रहे हैं और मैं काफ़ी कंफ्यूज था यहाँ पे, क्योंकि ओपन जगह थी और हेलमेट वैसे भी। ये लोग क्या कर रहे थे अभी यहाँ पे? हमारा जब अनोनिमस कंफ्यूज हो जाता है ना, फिर नेड निकाल लेता बस, क्योंकि नेड और अनोनिमस भाई दोस्त हैं आपस में। वो लोग मौत के मुंह में जाएंगे तो से वापस नहीं आ सकते, ये सिर्फ हम। तो यहाँ पे पूरा स्क्वाड गया। अब मुझे बताओ जरा कौन, मतलब अकल इस्तेमाल करो यार, क्या कर रहे हो? कंटेनर्स में जाने के बजाय टायरों के पीछे पूरा स्क्वाड भाग के आ रहा है, मतलब क्या अकल नाम की चीज़ नहीं है क्या? इनकी लूट हमने की, बहुत अच्छी लूट, इतनी अच्छी लूट थी, फिर भी मतलब चार लोग एक बॉट के पीछे जा रहे हो यार, मतलब क्या अकल नाम की चीज़ नहीं है तुम में क्या? फिर हमने यहाँ पे लूट की और अभी मतलब दो स्क्वाड तो अभी भी कहीं नहीं गए। अभी देखो एक स्क्वाड कैसे मुझे यहाँ पे घेर लेगा, वो देख रहे हो? ये लोग काफ़ी, मतलब देख लो खुद ही पता चल रहा था, एक के पीछे एक आ रहा था और पीक, जैसे वो पीक ले रहे थे तो नूब तो नहीं थे, सही है, जैसे वो एक के पीछे एक आ रहा है। फिर मेरे पास पोजीशन भी नहीं थी, जब मेरा दिल नहीं मानता ना कि नहीं यार मुबीन, वैसे किसी को नहीं पता मेरा नाम, असली नाम मेरा मोहम्मद मुबीन है, तो मैंने कहा नहीं यार ऐसे नहीं, मेरा दिल नहीं माना यहाँ पे फाइट लेने का, मुझे लगा मर सकता हूँ। तो मैं वापस आ गया वेयर हाउस में, क्योंकि वेयर हाउस में थोड़ा ईजी होता है स्क्वाड मारना। हमने फॉल बैक किया और फॉल बैक करके किया इनका इंतज़ार, क्योंकि हम अकल इस्तेमाल करके खेलते हैं भाई। हाँ, दुनिया को छोड़ दो, दुनिया ने घंटा ही देना है ना, हमने उनसे कुछ लेना है ना हमने दुनिया को कुछ देना है, भाड़ में गई दुनिया। तो हमने क्या किया गाइस, पीछे आए कवर में, थोड़ा होल्ड किया, वेट किया, अकल इस्तेमाल की। मैं साउंड ले रहा था इसका थोड़ा सा, मतलब मैं दुआ कर रहा था ये अंदर आ जाए तो मैं इसको ईजिली मार पाऊँ। नेट किया मैंने और इस नेट से डैमेज तो ये हुआ होगा, मैंने इसका साउंड ले लिया था, ये वहाँ पे बैठा हुआ है। तो साउंड लेने के बाद हमने नेट किया, हल्का फुल्का तो लौंडा डैमेज हुआ होगा। फिर हमने यहाँ से एंगल लेने का ट्राई किया, अकल नहीं है उसके पास, उसके पास अकल नहीं है और मेरे पास अकल है। गाइज एक और चीज़ देखना, सबसे बड़ी बात, मेरी पिंग इस मैच में ना 200 से नीचे आई ही नहीं, 250, 300 पिंग चल रही थी, बहुत ही ख़राब। तो यहाँ पे ये मर जाता है पीछे, मुझे मतलब पता चलता है जब उसको, इसके टीममेट को कोई मार देता है तो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब यहाँ पे एक अलग स्क्वाड था जिसने इस बंदे के टीममेट को मारा था, मैं इन पे रश करता हूँ। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा निकाला मैंने, चुप करके बैठता हूँ, आप ज़रा देखो। अरे भाई आपका पाँव दिख रहा है भाई, बताया भी था मेले बाबू का पाँव नजर आ रहा है।
यहाँ पे मेले बाबू को मैंने मार दिया, मेले बाबू ने गोली खा, मेले बाबू ने डोली थाली, हाँ मेले बाबू ने डोली थाली मेले से। और यहाँ पे हमने गेम निकाल दिया, ये तो गया सारा, बॉट भैया है यहाँ पे। अब इनके पास से बहुत अच्छी लूट हो चुकी थी मेरे पास, और जैसा स्टार्ट चाहिए होता ना मुझे, वैसा स्टार्ट मुझे मिल चुका था अल्हम्दुलिल्लाह, वैसा स्टार्ट मुझे मिल गया था। और फिर हमने अक्ल इस्तेमाल करते हुए अच्छे से जॉर्जबुल किया खाली, और फिर हम निकल गए। अब आपको पता है एनोनिमस की सबसे मेन चीज़ टिप क्या होती है जब वो सोलो स्क्वाड खेलता है, तो वो अपने अपनी पब्लिक को ये बोलता है जब सोलो स्क्वाड खेलो या जब अकेले बचो लेवल 3 लाजमी, वरना 1v4 बहुत हार्ड हो जाता है। हमने उठाई अपनी सस्ती सी बाइक और चल दिए ड्रॉप पर, जो कि था रोजक की तरफ था। बाइक ले ली और बाइक पे घूम रहे थे हम लोग। एक तो स्क्रीनशॉट भी लिया मैंने, वो तो थंबनेल बनेगा। दुनिया ने हमको दिया क्या घंटा, ये लिखूंगा थंबनेल पे। मैं ड्रॉप लेने आ गया यहाँ पे, मतलब लूटेड था सारा रोजॉक, लेकिन बंदे नहीं थे, और ड्रॉप में वो गन थी जो किसी पे रहम नहीं खाती। खुद गैस करो और कमेंट करो, पॉज कर दो वीडियो ज़रा, बताओ कौन सी गन होगी। वो गन है जो किसी पे रहम नहीं खाती, AR है, इतना बता दिया, अब तो पता चल ही गया होगा। ड्रॉप से उठाई गाइज हमने गन, और यहाँ पे मेला कोई बाबू यहाँ पे नहीं था, सारे लूट करके मेले बाबू चले गए थे। और हमने बढ़िया कल इस्तेमाल करके साइड पे बैठ के दरोज़ा उठा ली, और आगे भी काफ़ी इंटेंस गेम हुआ। लास्ट में ना, लास्ट में गाइज 1v3 हो गया था, और वो भी निकाल लिया हमने। काफ़ी अच्छा गेम प्ले रहा, लक ने भी साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छी गेम गई भाई ये तो। लेकिन दुख हुआ मुझे कि मेरे वो पब्लिक मेरी जो बगैर बोले लाइक कर देती है, आज कुछ लोगों ने लाइक नहीं किया। हाँ तुम ही से बोल रहा हूँ मैं, मुस्कुरा रहे हो वहाँ पे, अब लाइक नहीं करते फिर जब मैं बोलता हूँ तो मुस्कुरा देते हो। हाँ नहीं किया करो यार, ऐसे लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, इंस्टा पे फॉलो भी कर दिया करो, आपके लिए पोस्ट करता रहता हूँ वहाँ पे मैं, थोड़े फॉलोवर्स करवा दो वहाँ पे। बाकी बाइक ली अभी, देखना स्क्रीनशॉट यहाँ से लगाऊंगा मैं थंबनेल, ये थंबनेल बनेगा, देख रहे हो, हाय हाय क्या थंबनेल बनेगा भाई। फिर हमने यहाँ पे, मैं पचिंकी रुक के आया था गाइस, मैंने वो पार्ट कट किया, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, पचिंकी में कोई नहीं था। और यहाँ पे भी हमें मेला बाबू मिलेगा, देखना वेयर इज मेला बाबू, वो रहा छत पे, सनु नहर वाले पुल ते बुला के वो रहा। अभी देखना मेला बाबू क्या करेगा, मेला बाबू भाग जाएगा स्क्वाड हाउस से, और हमें तो जैसे पता ही नहीं चलेगा, इनको नहीं पता उन्होंने सकल इस्तेमाल करता है। मेला बाबू अभी भागेगा यहाँ से, देखना नहर वाले, देखना गाइस दिखा मेला बाबू, पहले मैंने नोट नहीं किया, मुझे लगा गाड़ी है या बाइक है, वो देखो मेला बाबू हिल रहा है। मेले बाबू ने गोली खाई, मैं इसको मतलब यहाँ से स्पॉट नहीं था सही से, तो मैंने कहा छत पे चलता हूँ आराम से नजर आएगा इसको। अच्छा इतना इतना बेअक्ल बंदा, इसको ये नहीं पता कि एक बंदा बाइक पे, अगर गाड़ी होती तो चलो डर की वजह से बाहर जाके लेटना बनता भी था, सोलो बंदे से बाहर जाके डर के, अक्ल इस्तेमाल करो यार। तो मैं ऊपर गया हाइट पे, इजीली स्पॉट हो जाता है हाइट पे, घबराओ मत कभी भी, 1v4 1v3 1v2 दिल छोटा करोगे घबराओगे तो मतलब तुम मरे। अभी वो रहा मेला बाबू, मेले बाबू ने डोली थाई नहीं थाई, अब था लो। अब गाइस पिंग देखो यार, 300 250 300, उसको मारा पहले गोली, मतलब बाद में जाके उसको डैमेज रेंडर हुआ और बाद में मरा, इतनी हाई पिंग में मैं खेल रहा था, वही तो बहुत मतलब ये दिखाया ऐसी रहा है, लेकिन इससे भी घटिया समझ लो पिंग है। पिंग तो अभी देखना गाइस, गाड़ी लगाऊंगा और एंड टाइम पे फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने कहा वो गाड़ी रश करेगी तो मैं गाड़ी लगा देता हूँ, जब तक वो यहाँ आएंगे गाड़ी लग चुकी होगी और मैं स्क्वाड निकाल लूँगा। लेकिन भाई वो तो ना, वो मेले बाबू नहीं थे, वो सारे ना डरपोक थे। मेला बाबू लड़ता है मुझसे, और जो मेला बाबू नहीं होता वो भाग जाता है, तो वो लोग भाग गए थे मुझे नहीं पता था। अब देखो गाड़ी यहाँ तक लगाई और फ्यूल ख़त्म, ऐसा ख़राब लगा मेरे को। फिर हम गए छत पे, देखा तो बंदे गायब, उप्स व्हाट डू हैक। फिर वहाँ से एक और गाड़ी आई, अब कोई रश नहीं कर रहा था, मैं बिल्कुल मिडिल में था, मैंने यहाँ पे ट्राई किया, वो लोग पानी में जंप कर गए नीचे, और फ़ायदा नहीं हुआ मारने का, डैमेज तो थे वो लोग अच्छे खासे। गाड़ियाँ में 400 कोई रश करे, पर कोई रश कर नहीं रहा था। अब ये लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे जिनको मैंने रोका,
इन भाई साहब ने तो भाई पता नहीं कार ने एंट्री पड़ी, मैं नीचे भागा फौरन से और हल्का फुल्का डैमेज ही पड़ा था मुझे। और ये उन्होंने मारा था जो पहले ऑरेंज कलर की आई थी ना यूएस, उन बंदों ने मुझे कार ने एंट्री मारा। मैंने आराम से बैठ के हील की, फिर मज़ा नहीं आ रहा था यहाँ से। काफ़ी देर मैं यहाँ पे वेट करता कोई रश करेगा, फिर मैंने रश कर दिया, बाइक ली अपनी और सस्ती बाइक लेके कर दिया रश। अब यहाँ रश किया, यहाँ पे मैं मरते मरते बचा, क्योंकि आगे 4 लोग थे, उससे आगे 2 लोग थे और पीछे भी बंदे आ गए थे, तो मैंने यहाँ से निकलना बेहतर समझा। लेकिन ऐसे करके ओ मेला बाबू मर गया, मेला बाबू यहाँ मर गया। और हमने थोड़ी शक्ल इस्तेमाल की, प्रोन होके स्प्रे किया और फिर मैंने कहा बस निकलता हूँ यहाँ से जोन में, क्योंकि जोन भी नहीं था, आगे भी बंदे थे और उसके टीममेट आ जाते तो भाई उन्होंने जो अपना बनाना, उन्होंने सारा मेरा बाबू निकाल देना था। अब ये उसी की टीम में यहाँ पे थे और वो रिवाइव हो चुका था बंदा, अभी आपने पीछे देखा ना गोली मार रहे थे, रिवाइव हो गया था वो, तो अब यहाँ मरेंगे, मरना तो था उन्होंने। इस बेचारे ने तो हील भी नहीं की थी, इतना लो था ना ये। और उसके बाद जोन यहाँ भी नहीं बना, फिर मैंने डार्सल ली, जो कि भाई डार्सल ने तो पी रखी थी, हराम है पीना फिर भी पी रखी थी डार्सल ने। फिर हम इसी में गए और इसमें तो कोई बंदा पास होता ना उसने तो भाई अपना कबाड़ा कर देना था। हमने अक्ल इस्तेमाल नहीं की थी यहाँ पे, वैसे की थी ठीक था। वो हज़रत अली ने फरमाया, हज़रत अली सुल्तान ने फरमाया कि दोस्त कैसा भी हो उसको मत छोड़ो, कि गंदा पानी भी आग बुझाने के काम आता है। तो मतलब अब ये यहाँ पे फिट बैठ रहा था, तो डारसिया जैसी भी थी ये काम की थी अभी, तो मैंने यूज़ की। हज़रत अली ने फरमाया कि दोस्त कितना भी ख़राब हो मत छोड़ो, गंदा पानी भी आग बुझाने के काम आता है, तो ये याद रखना। बाकी अब यहाँ पे आगे जब ढुकी ना, मैंने कहा इससे आगे तो अभी उतरूंगा तो पड़ जाएगी स्क्वाड, तो मैंने देखा था डारसिया खड़ी हुई है। और फिर मैंने आगे रश किया और मुझे विंडो से दिखा बंदा, ये देखना वो रहा, देखा दोबारा दिखा, तो मैंने यहाँ पे आके M4 निकाली, एक नॉक। अभी जो था ना वो बंदा इतना डर गया था ना, उसने पता नहीं क्या, ये देखो अब फिर वही काम हुआ, मेरी गोलियां देर से रजिस्टर हुई, मेरा पिंग बहुत हाई चल रहा था। मैं इस पिंग में अब खेलता ही नहीं हूँ, मेरा ठीक आता है 150 160 ये पिंग होता है मेरा, एशिया में तो और भी कम आता है ये, मेरा पिंग शुरू में होता था। अभी देखना एक बंदा क्या सस्ते नशे करके बैठा हुआ है, ये देखना मेला बाबू क्या कर रहा है यहाँ पे। ओ मेला बाबू AFK गया हुआ था। हमने यहाँ पे अकल इस्तेमाल नहीं की, कर भी जा सकते थे ये तो, इसके तो साउंड भी नहीं आ रहा था, AFK था बेचारा। इसको मारा यहाँ पे, अच्छे किल हो चुके थे और फिर जोन हम पे नहीं बना। फिर हमने ली उन्हीं की यूएस ली और मैं यहाँ पे आ गया, क्योंकि मैं ओपन में नहीं रुकना चाहता था। यहाँ पे मैंने सब्र किया, मेरे किल अच्छे थे, मैंने कहा कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि मैं अक्सर ऐसे ही करता हूँ, अच्छे किल होते हैं गड़बड़ करके मर जाता हूँ, वीडियो ख़राब। कल वीडियो नहीं आई थी, मैंने कहा ना आज तो कोई गड़बड़ नहीं करेंगे अब लोग। शैक में आके थोड़ा वेट किया और यहाँ पे एक मेला बाबू नज़र आया मुझे, मैंने उस बाबू को मारने की ट्राई की यहाँ पे। दोबारा वही काम हुआ, मेरी गोलियां देर से रजिस्टर हुई और मैं कितनी बार ही मौत के मुंह में जाके से वापस आई हूँ, लेकिन लास्ट में आएगा वो जब मैं मौत के मुंह में जाऊँगा और से चिकन डिनर ले जाऊँगा। ये बंदा मैंने स्पॉट किया, मैं चाहता था इसको नॉक करूँ, लेकिन दूर था थोड़ा तो स्प्रे में गड़बड़ हो सकती थी, और मैं स्प्रे करता भी कम हूँ, मैं ऑम ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ऑम थी नहीं मेरे पास, स्नाइपर भी नहीं थी। इतना तो कंफर्म था ये बंदा कोई बहुत ही ज़्यादा कम हेल्थ में बचा था, तो मैंने रश करना चाहा और मैंने एक नेड फेंक दिया वहीं पे आगे, क्योंकि मुझे पता था ये हील करेगा, डरा हुआ तो होगा और वही टाइम होगा उसको मारने का। तो ग्रोज़ा हाथ में थी, ग्रोज़ा पे ट्रस्ट किया जा सकता है, स्कारल पे नहीं किया, स्कारल पे तो मैं कभी ना करूँ, बंदा बना एचपी भी हो तब भी स्कारल पे ट्रस्ट ना करूँ मैं। पर यहाँ अपने पास ग्रोज़ा थी, इसको डाउन किया और ये वाकई ड्रॉप लूट के आया हुआ था लौंडा, लेवल 3 वेस्ट वगैरह इसके पास थी। अब बचे 3 बंदे, वो तीनों एक ही टीम के, तो मुझे पता नहीं था वो हैंग कहाँ, मैं काफ़ी देर से स्पॉट कर रहा था, कट करता रहता हूँ वीडियो। अभी देखना अब काफ़ी ढूंढा हमने, ये बंदे कहाँ हैं जल्दी जल्दी बताओ बंदे कहाँ हैं, भी हमने बहुत तेज़ी तेज़ी से बंदे ढूंढने की ट्राई की और एकदम से मुझे बहुत दूर बंदा दिखा, करीब 2 हैं लेकिन वो नहीं नज़र आए, लेकिन एक दूर वाला नज़र आ गया था वो रहा। अब ये तीनों टीममेट्स अलग अलग हैं,
तो जो करीब थे ना वो रश कर देंगे, ये एंड में आएगा जिसको मैंने अभी मारा। तो अभी जोन नहीं था, मैंने कहा नहीं गलत कर रहा हूँ, जोन में जाऊंगा बेशक एंड तक चली जाए फाइट, लेकिन जोन छोड़ा तो मरा। और यहाँ पे मैंने साउंड ले लिया कि उसके टीममेट रश कर रहे हैं। गाइस जैसे मैंने पहले वाला इनका नॉक किया, वो देखना आप दोबारा, आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि खुद भी ट्राई करो कवर में जाने की और सेव करने की अपने आप को, और उस पे एम भी बनाए रखो, मतलब एम भी नहीं छूटना चाहिए और कवर भी होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी अपने पास। अब ये बंदा आ चुका था यहाँ पे, इनका एंगल नहीं था मेरे पास कोई अच्छा, ट्राई कर रहा था मिल जाए और वही हुआ, एंगल मिल गया और यहाँ हम मौत के मुंह में गए और से वापस आ गए, हमें मिला विनर विनर चिकन डिनर। ये हमारे मुक्के शुक्के ब्रूसली भैया। ये था यूरोप सर्वर और रैंक वगैरह मैं दिखा दूंगा, काफ़ी अच्छे प्लस हुए थे। और मैं वो भी दिखाऊंगा कि आरपी में मतलब जो बंदे मुझे भेजते हैं क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलैरिटी जो भेजते हैं, तो मैं उनको भी टॉप 10 में दिखाया करूँगा अक्सर किसी वीडियो में, जब जब मुझे याद होगा मैं दिखाया करूँगा पॉपुलैरिटी अपनी, क्योंकि यार बंदे भेजते हैं तो उनका नाम दिखाने में क्या जाता है। ये हमारा तकरीबन आधे घंटे का गेम प्ले चला, 3000 डैमेज था गाइज। और ये मेरी आईडी, स्टार क्लैन का भी गेम प्ले आएगा, इंस्टाग्राम चेक कर लेना। बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ये रहे टॉप 10 बंदे जो हैं और ये रहा करियर रिजल्ट जो हम लोग मैच जीते। अल्लाह हाफिज़ गाइज़।